बाबा की दूर संचार प्रणाली भी बड़ी अद्भुत थी। जिस भक्त के पास टेलीफोन की सुविधा नहीं होती, बाबा उसके पास अपना संदेश बिना भौतिक उपकरण के ही पहुंचा देते थे। ऐसा संदेश बाबा के भक्त अलीगढ़ के संस्कृत अध्यापक होत्रदत्त शर्मा को भी मिलता था। जब भी बाबा उन्हें बुलाते तो संदेश उनके कानों में गूंजने लगता और उसी समय वो सब कामकाज छोड़कर वृंदावन बाबा के पास आ जाते थे और उन्हें वहाँ बाबा के दर्शन अवश्य होते थे। बाबा के भक्तों को इस बात का अनुभव है। बाबा बिना ट्रांसमीटर और बिना रिसीवर के दूर लोगों की बातें भी सुन सकते थे और अपने भक्तों को भी सुनाते थे। बाबा सर्वज्ञ हैं, अपरंपार है बाबा की लीला। जय हो नीम करोरी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो सदा ही, जय हो, जय हो।